लेकिन ये दूसरा वाला क्या काम करेगा, जैसे ही मैं हीटर को चालू करता हूँ दोनों इंडिकेटर चालू हो जाते हैं। अब जैसे ही आप देख सकते हैं पानी गर्म होना शुरू हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पानी 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा यानी कि ओवर हीट होगा तब यहाँ पर ये थर्मोस्टेट काम आएगा, ठीक है। यानी कि भाप बनने जितना जो पानी होता है ना, जिससे ब्लास्टिंग के चांसेस बढ़ते हैं, उस टेम्परेचर पे जा करके ये ट्रिप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी ओवर हो रहा है, ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी गर्म हो चुका है, भापे भी निकलना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से जैसे ही पानी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में आ जाएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ हमारा जो थर्मोस्टेट है ये देख सकते हैं ओवर हो गया ना। अब देखो हमारा थर्मोस्टेट बिल्कुल ऑफ हो चुका है। इस कंडीशन में हमारे गीज़र के दोनों इंडिकेटर बंद हो जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा गीज़र ख़राब हो गया है, मतलब इस इंडिकेटर दोनों इंडिकेटर